हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हरियाणवी विलेजर पे। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और गोभी का खट्टा मीठा अचार। इसके लिए हमने लिया है 4 चम्मच अदरक का पेस्ट, 4 चम्मच लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच राई। और ये हमने लिया है करीब 150 ग्राम के करीब गुड़। और हमने ये गाजर और गोभी 2.5 किलो लिए है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइए कि जो रेसिपी मैं बनाता हूँ आपको कैसी लगती है, और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अचार बनाना। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन का पेस्ट। ये अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और काफ़ी टाइम तक चल जाता है। गाजर और गोभी को हमने पहले काट के गरम पानी में भिगो के 10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो के इसको हमने 4 घंटे धूप में सुखा लिया, भुन चुका है। अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक का पेस्ट। थोड़ी देर हम अदरक के पेस्ट को भूनते हैं 2 मिनट के लिए। गुड़ को हम सिरका डाल के भिगो के रख देते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने डाला है वो भुन चुका है। अदरक और लहसुन के पेस्ट में से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, नमक, मिर्च, अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक हमने डाल दिया है, मिर्च डाल रहे हैं, राई डाल रहे हैं, और ये कश्मीरी मिर्च डाल दिया हमने कलर के लिए, इससे अच्छा अचार में कलर आ जाता है। इन सब को कर लेते हैं अब मिक्स। अब हम इसमें सिरका मिक्स करके गुड़ रखा था, तो गुड़ डाल रहे हैं, गुड़ इसमें डाल दिया है हमने, कर लेते हैं इसको मिक्स।
गुड़ मसाले में मेल्ट हो रहा है। और अब तो ये अचार एक बार हमें ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि गाजर का सीजन लगभग जा ही रहा है, गोभी तो हमें फिर भी मिल जाती है। हमारे मसाले में बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब हम इसमें जो गाजर और गोभी काट के रखे हुए हैं वो मिक्स कर देते हैं। इस अचार में हल्दी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मसाले को और गाजर गोभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद हम ऊपर से इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च हमने डाल दी है। अब हम इस सब को 10-1 मिनट पकाते हैं ताकि ये मसाला इसमें मिक्स हो जाए। इस अचार को आप किसी भी साफ सुथरे डिब्बे में जिसमें धोकर उसको आप बिल्कुल धूप में सुखा लें और फिर अचार को उसमें भर के आपने जितना अचार खाना हो वो निकालिए, बाकी आप फ्रिज में रखिए तो अचार बहुत टाइम तक चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। अचार हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इसको हम किसी भी साफ सुथरे डिब्बे में भरकर रख देंगे 1 दिन के लिए, उसके बाद ये खाने लायक हो जाएगा। वैसे तो हम चाहें तो इसे अभी भी खा सकते हैं क्योंकि ये तैयार हो ही चुका है।